Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. I am Priyanka Gaur and in this video मैं आपको ये बताऊंगी कि notice writing class 12th में कैसे लिखी जाती है और आपके board exam अभी pass में है, इसको ध्यान से आप समझना। पहले मैं आपको format सिखाऊंगी and then हम एक format को follow करते हुए notice writing करेंगे। तो अगर हम notice writing के format की बात करें, नोटिस राइटिंग फॉर्मेट, तो फॉर्मेट इसका क्या होता है, हमेशा नोटिस राइटिंग बॉक्स में आएगा, ठीक है। लाइन आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट में होनी चाहिए, स्केल के साथ आप लाइन करना। यहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहां पर आप नोटिस लिखेंगे, ये भी कैपिटल लेटर में ही होगा, ऑल राइट। देन आप एक लाइन स्किप करके आप यहां पर डेट मेंशन करेंगे, देन अगेन एक लाइन स्किप करेंगे और फिर यहां पर आप अपना जो भी कंपटीशन करा रहे हैं, जैसे कि हम करा रहे हैं इंटर डिबेट कंपटीशन, तो आप पूरा लिखेंगे इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर आपकी मेन बॉडी यहां आ जाएगी, ठीक है। मेन बॉडी के बाद यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम है एक्स वाई जी, एंड यहां पर नाम के नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। ये तो होता है फॉर्मेट नोटिस राइटिंग का। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का, जिससे आपको समझ आए कि इस फॉर्मेट से आपने लिखना कैसे है, ठीक है। तो एक बार मैं ये इरेज कर देती हूँ और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन के हिसाब से नोटिस राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑल राइट। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। ये देखो यहां लिखा हुआ है मैंने नोटिस राइटिंग। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कि आपका नाम या तो करण है या कनिका है। आपने इन दोनों में से नाम ऑप्ट करेंगे। अगर आप लड़के हैं तो आप करण लिखेंगे, लड़के हैं तो कनिका लिखेंगे। एंड आप एक सेक्रेटरी हैं, कौन से स्कूल में कर देते हैं हम, चलो सनराइज स्कूल कर देते हैं। आप सनराइज स्कूल में एक सेक्रेटरी हैं और आपके यहां पर एक ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, राइट। तो अब आपको इसका एक नोटिस तैयार करना है। आप नोटिस कैसे तैयार करोगे, चलो देखते हैं। पहले जैसे मैंने बताया, एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सनराइज स्कूल, सनराइज स्कूल। अगर तो क्वेश्चन में सिर्फ सनराइज स्कूल दे रखा है तो सनराइज स्कूल लिखोगे, एंड अगर ये भी दिया हुआ है कि सनराइज स्कूल कहीं पर है, जैसे कि ये हरियाणा में है, तो अगर शहर वगैरह दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिया हुआ है, तो ही आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। अदरवाइज तो ऐसे के ऐसा लिखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है। तो आप लिख देंगे हरियाणा, ठीक है। अगर हरियाणा या गुरुग्राम या फिर दिल्ली ये मेंशन किया होगा तो ही यहां आपको लिखना है, ऑल राइट। फिर इसके बाद आप यहां लिखेंगे नोटिस, एंड दैट टू इन कैपिटल लेटर्स। अगेन यू हैव टू स्किप अ लाइन और आप यहां पर डेट लिखेंगे। नाउ एग्जाम में डेट मेंशन नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंशन नहीं होती है, बट अगर हो गई तो वही डेट लिखनी है, नहीं होगी तो आप एक डेट यहां पर अज्यूम करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं 22 जनवरी 2000 XX, क्योंकि हम यहां पर ईयर मेंशन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में, अंटिल अनलेस इट इज ऑलरेडी मेंशनड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है कि आप ये 2023 में ये ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, तभी आप यहां पर 23 लिखेंगे, अदरवाइज आप यहां पर ईयर मेंशन नहीं करेंगे। फिर हम यहां एक लाइन और स्किप कर देंगे डेट के नीचे और यहां पर हम इस कॉम्पिटिशन का नाम लिखेंगे, ड्रॉइंग एंड
पेंटिंग, कॉम्पिटिशन, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन किस में आता है? आर्ट्स क्लब में आता है, तो लिखेंगे द आर्ट्स क्लब अनाउंसेस। अब आर्ट्स क्लब में ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, इसलिए आप लिखेंगे आर्ट क्लब क्या अनाउंस कर रहा है? एक कॉम्पिटिशन अनाउंस कर रहा है। द आर्ट्स क्लब अनाउंसेस, आर्ट्स में ए बड़ा कर देना, द आर्ट्स क्लब अनाउंसेस, एक इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे और कर दूं, आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलेंगे, हम इतना ले लेते हैं ये, ओके। आर्ट, सो द आर्ट्स क्लब अनाउंसेस ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लासेस 9th, 10th and 11th, ठीक है, और हम 12th भी चलो कर ही देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी क्लास के लिए इसको कराना चाहते हैं कॉम्पिटिशन को। ऑल राइट, अब ये कॉम्पिटिशन हम इस क्लास के लिए करा रहे हैं, लेकिन कब करा रहे हैं? सो हम यहां डेट भी लिखी देंगे, ऑन ये 22nd जनवरी को अगर हम नोटिस जारी कर रहे हैं तो हम फेब्रवरी में कॉम्पिटिशन करवाएंगे, ऑन 21st February 2000 XX, राइट। अब हम यहां पर थीम बता देंगे बच्चों को, द थीम फॉर द कॉम्पिटिशन इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब पेंटिंग में ना बहुत सारे थीम होती है, जैसे कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो लैंडस्केप्स, राइट, इस तरीके से आप बहुत सारी थीम इसमें अपनी मर्जी से डाल सकते हो, क्योंकि अगर थीम डालोगे तो आपका नोटिस बहुत ही सुंदर दिखेगा। फिर आप लिखोगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स विथ आर्ट्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स डिपार्टमेंट में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आप बोलना कि भाई अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है थीम देख लो, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अपने नाम को क्या कर दो, रजिस्टर कर दो आर्ट्स डिपार्टमेंट में। ऑल राइट, फिर आप बता दोगे कि ऑडिशन कब होगा, क्योंकि नोटिस में हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, द ऑडिशंस विल बी हेल्ड फ्रॉम, अब देखो ऑडिशन हम जनवरी 22nd जनवरी के बाद रखेंगे, विल बी हेल्ड फ्रॉम 27th जनवरी टू, कब तक, 2nd February, ठीक है। अब आपने बता दिया कि जो ऑडिशन है वो कब से कब तक होंगे, हम यहां पर बच्चों को लिमिट्स भी बता देंगे कि कितने बच्चों की एंट्री होनी चाहिए, तो अब आप लिखना देयर विल बी 5 entries फ्रॉम ईच क्लास, अब यहां क्लास भी आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज 9th, 10th, 11th and 11th के साथ में 12th, ऑल राइट, यहां पर आपने क्लासेस भी मेंशन कर दी। अब आप बताओगे बच्चों को कि जो आपको फाइनलिस्ट्स की लिस्ट है, क्योंकि एक बात बताओ, आपने यहां पर अनाउंस कर दिया, आपने यहां पर थीम बता दी, अब बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है, और उनका ऑडिशन भी होगा, तो आप एक लिस्ट तो प्रिपेयर करोगे ना कि आपने किनको फाइनल किया है, तो उसके बारे में यहां पर बता दोगे, द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट्स
विल बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन। अब देखो हमने यहां पर ऑडिशन कब से कब तक किया है, हमने ऑडिशन रखा है 27 जनवरी से 2 फेब। फिर ऑडिशन के बाद हम फाइनलिस्ट की लिस्ट बनाएंगे, तो हम 2 फेब के बाद ही लिस्ट लगाएंगे, तो हम लिख देते हैं यहां पर 10 फेब्रुअरी। और अगर मेंशन करना चाहो ईयर साथ में ऐसे 2000XX करके मेंशन कर सकते हो। फिर अगर फिर भी कोई डाउट बच्चों को रह जाता है, क्योंकि कई बार होता है नोटिस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी बच्चों को कुछ चीजें नहीं समझ आती है, तो आप लिखोगे फॉर फर्दर डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन। आप लिख सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स और फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब देखो अब अंडरसाइंड में कौन है, यहां पर आप हो, आप कंपटीशन करा रहे हो, आप क्या हो, सेक्रेटरी हो सनराइज स्कूल में। आपका नाम या करण है या कनिका है, तो जैसे मैंने बताया लड़के हो तो यहां पर एक लाइन स्किप करके करण लिख देना, अगर लड़की हो तो कनिका लिख देना। फिर अपनी डेजिग्नेशन लिख देना, क्या हो आप, सेक्रेटरी हो, लेकिन कहां पर सेक्रेटरी हो, आर्ट्स क्लब में, तो आर्ट्स क्लब कर देना। एंड यहां पर हमारा नोटिस एकदम कंप्लीटेड है। एक बार देख ले हम इसको, इसको याद आपने कैसे करना है, देखो इसको याद करने का भी एक तरीका बताती हूं, साइड में इसी के नोट्स बना लो। याद रखो पहले आपने क्या किया, कंपटीशन को अनाउंस किया, ठीक है। कंपटीशन अनाउंस करने के बाद आपने बच्चों को उस पर थीम भी बताई कि आप थीम क्या क्या रखेंगे। फिर आप बच्चों को बोलोगे कि भाई ये थीम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करो, आप अपने नेम्स को इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स रजिस्टर करा लें, ठीक है। एंड देन आप यहां पर ये भी बताओगे कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उसके ऑडिशंस कब होंगे, तो आप ऑडिशंस के बारे में बताओगे। ऑडिशंस होने के बाद आप ये भी बताओगे कि कितनी एंट्रीज अलाउड हैं, ताकि बच्चे अगर सेलेक्ट ना भी हो तो उनको पता हो हाँ भाई इतनी इतनी एंट्री अलाउड है, तो बुरा ना माने वो, है ना। तो एंट्रीज अलाउड है कितनी वो भी बतानी है। फिर बाद में आपने किसको चुना है उसकी लिस्ट आप नोटिस बोर्ड पे कब तक दे देंगे, एंड देन आप जो है नीचे फिर उसके बाद अंडरसाइंड जो भी होगा उससे कॉन्टेक्ट करने के लिए कहेंगे फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आपको इस पूरे नोटिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 7 की वर्ड्स याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, अगर आपने ये की वर्ड्स याद कर लिए तो आपको ये पूरा नोटिस बोर्ड याद हो जाएगा। जैसे कि यहां आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, इसके बिल्कुल ठीक नीचे नोटिस लिख देना, एक लाइन छोड़ना, डेट लिखना, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर आप एक कॉम्पिटिशन लिखोगे, फिर एक लाइन स्किप करके आप यहां से अपना जो है शुरू कर दोगे अपना यहां से कि आर्ट्स क्लब अनाउंस कर रहा है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन है, इस क्लास के लिए है और इस दिन है, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ एक सेकेंड, कि इस दिन होगा, ठीक है, इस दिन कंपटीशन होगा। थीम क्या है, थीम है भाई आप अपनी मर्जी से कोई भी थीम लिख देना, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने नेम्स को क्या करो, रजिस्टर करा लो। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, आप बताओगे कि भाई ऑडिशन कब से कब तक है। ऑडिशन की डेट बताने के बाद आप ये भी बताओगे साथ साथ कि कितनी एंट्रीज अलाउड हैं, एंड देन आप बताओगे लास्ट में कि फाइनलिस्ट्स की लिस्ट कब तक लगेगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, मेरा नाम करण या कनिका है, जो मैं सेक्रेटरी हूँ और इस क्लब का मैं सेक्रेटरी हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं वहाँ पर अपने डाउट। एंड हैविंग सेड दैट, आप मेरे साथ ना टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं करना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको 12th क्लास के MCQs एंड क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। हालांकि अभी तक हमने यहाँ पर नोटिस में जो है दो नोटिस पीरियड के बारे में बात की, एक हमने म्यूजिक क्लब की बात की थी और अभी हमने बात की आर्ट्स क्लब की। कुछ
आगे आने वाली वीडियोस में मैं नोटिस राइटिंग में लॉस्ट एंड फाउंड भी समझाऊंगी, कोई भी चीज़ अगर मिसप्लेस हो गई या वो समझाऊंगी मैं आपको, एक्साइटिंग सेल्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। बट अगर मेजॉरिटी पोर्शन कहीं से पूछा जाता है तो वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। स्टिल कोई डाउट है, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉमेंट